Good morning, students. Welcome to Target IES. My name is Akanksh Vashisht, and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services 2019. So, हमने last video में यहाँ तक finish किया था. That is the ideal gas equation, right? And I told you the expression of the ideal for the ideal gas, and I told you the significance of R and R bar, right? How to use R bar value, and I told you about the pressure as well. Then प्लीज लुक द क्वेश्चन वेरी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, गेज प्रेशर दिया रहता है या वैक्यूम प्रेशर दिया रहता है. फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टू एब्सोल्यूट वन, पहले एब्सोल्यूट में इसको कन्वर्ट करिए. एंड देन आई ब्रीफली समराइज द प्रेशर फॉर्म, दैट इज वॉट इज द एब्सोल्यूट, वॉट इज गेज, वॉट इज वैक्यूम. ओके राइट, सो आई समड अप लाइक दिस वन. सो लास्ट में मैंने बताया था कि जो प्रेशर है दैट कुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो हाउ टू कन्वर्ट इट, फॉर दैट यू शुड रिमेंबर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एंड देन यू यूज द फॉर्मूला रो जी एच. इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पास्कल्स, राइट. अच्छा, मैंने आपको आइडियल गैस नहीं पता, आइडियल गैस क्या होती है. ओके, देखिए आइडियल गैस अगेन इट्स अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, एक्चुअल में कोई ऐसी गैस आइडियल गैस होती है नहीं. सो आइडियल गैस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, आइडियल गैस इज दोज गैसेस इन विच देयर आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज बिटवीन देम, जिनके बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट निल वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज आर देयर, दोज गैसेज आर कॉल्ड आइडियल गैसेज. ठीक है, अब ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट थोड़ी ना करती जिनके बीच में कोई फोर्स ही ना हो. ओके, जब क्या होता है कि जब दो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक डिस्टेंस तक रहते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन भी आता है. whenever they are you know nearer to the bond length, तो उनके बीच में रिपल्शन भी क्रिएट होता है इस तरीके से, F रिपल्शन. कब? जब वो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के होते हैं, और जब वो बॉन्ड लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाते हैं तब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स. ये हालांकि बहुत ही वीक फोर्स होता है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट. लाइक न्यूटन ऑलरेडी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ना कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, सो देयर इज अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट विच इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स. ओके, आइडियल गैस क्या होती है, दोज गैसेज इन विच हैव जीरो वैन डर वाल्स फोर्सेज, राइट. सो दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फ्री टू मूव एनीवेयर. और ऐसी कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है, जब गैस या तो बहुत ही लो प्रेशर पे हो, क्योंकि अगर देखिए अगर लो प्रेशर होगा सो मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंडेड, राइट, देन दे विल मूव एनीवेयर, दे हैव रैंडम मोशन एनीवेयर विथ हाई वेलोसिटी, राइट. और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब हाई वेलोसिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वेलोसिटी क्या होता है, रूट थ्री आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. So velocity is proportional to root of temperature. So more the temperature, more the velocity. So therefore, या तो high temperature हो और low pressure हो, तो इस condition में gas जो है it behaves close to ideal gas, right? और आप एक example याद करेंगे और हमेशा ये याद रखेंगे, from thermodynamics to power plant to IC engine, even refrigeration and air conditioning, जहां पर भी air आएगा वो आइडियल गैस मानी जाएगी. सो आप एक एग्जांपल नोट कर लेना, एयर, एयर इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल गैस एवरीवेयर, इन पावर प्लांट, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन रेफ्रिजरेशन, इन ऑल द टॉपिक्स, राइट. और एयर के लिए कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है. सो दैट वॉज अबाउट इट, अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि R क्या होता है, R बार क्या होता है, ये वैल्यू भी मैंने आपको कल बताई थी, कल वाली वीडियो में. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट नोट, देखिए स्मॉल T जो होता है वो डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एंड कैपिटल T केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है. इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन, यू शुड नॉट चेंज इट. एंड जीरो डिग्रीज इक्वल टू 273.15 केल्विन, दिस ऑल कन्वर्जन यू नो. ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, लुक एट इट वेरी केयरफुली, यहां से देखिएगा. Look at here. TP, triple point of water, triple point temperature of water. क्या होता है ये, remember करना है आपको, this you should remember, you should memorize it.
प्लीज ओके मेमोराइज करना है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.16 केल्विन या फिर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर की बात करें तो 4.587 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। अगेन यू कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ रोजी एच तो आपको मिल जाएगा 611.97 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 0.611 किलो पास्कल्स। सो दिस ऑल वैल्यूज यू शुड रिमेंबर, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वाटर, इस तरीके से आपने याद करना है। बाय द वे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है माय डियर, इट इज द पॉइंट एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर दैट इज आइस लिक्विड वाटर एंड स्टीम को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, और वैल्यूज इस तरीके से हैं 0.611 किलो पास्कल एंड 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वी डिफाइन इन द अर्लियर वीडियो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, राइट। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ती है, उनको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोमेट्रिक मतलब द वन विच आर यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिड्यूस करने के लिए जो वेरिएबल्स काम में आते हैं दोज आर नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लाइक पहला है वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इफ आई टॉक अबाउट, नाउ अप्लाई पीवी इज इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन, ठीक है। सो एट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर जो है डायरेक्ट फंक्शन आ जाएगा प्रेशर के। सो हियर द ओनली वेरिएबल लेफ्ट वुड बी प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो पहला ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, यस अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, नाउ इफ आई कीप प्रेशर कांस्टेंट देन व्हाट विल हैपन, अगेन पीवी इक्वल टू एमआरटी, सो टेम्परेचर दिस टाइम वुड बी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। सो ये दो तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर दी, प्रेशर और वॉल्यूम। नाउ और भी प्रॉपर्टीज होती है विच हेल्प अस टू डिड्यूस द टेम्परेचर, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑल्सो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग टेम्परेचर। सो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर, उसमें रेजिस्टेंस काम आता है। और आप इसमें एक एग्जांपल याद करेंगे, एग्जांपल है आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आई रिपीट रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये डिवाइस होती है मैटर जिसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर डिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टेंस। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट यू शुड रिमेंबर, वीट स्टोन ब्रिज सर्किट होता है, वीट स्टोन ब्रिज यूज होता है। वीट स्टोन ब्रिज आपको याद है, चलिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, यू मस्ट हैव स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। देखिए मैं सर्किट बना रहा हूं, अब कुछ याद आ रहा होगा। So here are the four resistances R1, R2, R3, R4. और इसके अलावा यहां पर हम फिट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट। और हम क्या करते हैं, अगर आप स्कूल में अपना एक्सपेरिमेंट भी किया हो व्हीटस्टोन ब्रिज को लेके, कि आप एक स्लाइडर होता था उसको मूव कराते थे ओवर अ वायर और एक बैलेंस कंडीशन अचीव करते थे। बैलेंस कंडीशन मतलब वेयर द करंट इज जीरो, सो गैल्वेनोमीटर जब रीडिंग जीरो शो कर देगा हम वहां पर रुक जाते थे और हम ये निकाल लेते थे रेजिस्टेंसेस, ठीक है। हमें कुछ रेजिस्टेंस पता होता था और फिर हम R1 अपॉन R2 कुछ याद आ रहा है इज इक्वल्स टू यस R3 अपॉन R4 ये कंडीशन लगाते थे। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं विद द टेम्परेचर और फाइंड आउट कर लेते हैं टेम्परेचर, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, EMF, नेक्स्ट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी EMF है। इसका एग्जाम्पल है थर्मोकपल, ओके थर्मोकपल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ EMF डिफरेंस, ओके। नाउ थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या होता है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ सीबैक इफेक्ट।
सीबेक इफेक्ट. एंड वॉट इज द सीबेक इफेक्ट, शॉर्ट में आपको बता देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज. ओके, आई एम टेकिंग टू मटीरियल्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी उनकी, राइट. आई एम टेकिंग टू मेटल्स बेसिकली, सो हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नाउ हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड आई कीप इट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर एग्जाम्पल से इनको मैं अलग अलग टेम्परेचर पे रखता हूं, T1 सपोज T2, राइट. सो नाउ सीबेक इफेक्ट सेज दैट इफ द टू मटीरियल्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट, सो दे विल जनरेट कॉरेस्पॉन्डिंग EMF और पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस. हाँ, यहां पे याद ये रखना है कि ये होगा रेफरेंस पॉइंट, जहां हमने दो मटेरियल को ज्वाइन किया हुआ है वो रेफरेंस पॉइंट होगा, एक रेफरेंस टेम्परेचर यहां फिक्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है. और इन दिस केस EMF आप रिड्यूस कर लेंगे, सो एंड इफ यू नो वन टेम्परेचर यू कैन रिड्यूस द अदर टेम्परेचर इजिली. सो इस तरीके से थर्मोकपल वर्क करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है सीबैक इफेक्ट, यू शुड रिमेंबर इट. फाइन, गॉट इट. नाउ वी विल स्टडी नाउ टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल. ओके, देखिए आज के टाइम में तो हमारे पास थर्मोमीटर अवेलेबल है विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, जो मर्करी बल्ब थर्मोमीटर होता है. तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर रख देते हैं. सो जो है मर्करी एक्सपैंड होता है इन अकॉर्डेंस विद इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड द टेम्परेचर इज मेजर्ड इजीली. बट जब ये नहीं था तब कैसे हम करते थे, ठीक है. सो देयर वर डिफरेंट मेथड्स बीइंग यूज्ड, टू मेथड्स वर यूज्ड. वन मेथड वॉज यूज बिफोर 1954, अनदर मेथड आफ्टर 1954. सो 1954 वाले की फीचर क्या था, 1954 वाले मेथड में हम लोग दो रेफरेंस पॉइंट लेते थे. हम लोग कितने पॉइंट्स लेते थे, दो रेफरेंस पॉइंट्स लेते थे इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है. ये देखिए, वी यूज टू रेफरेंस पॉइंट्स टेकन इनटू कंसीडरेशन. वो कौन कौन से थे, वन इज आइस पॉइंट एंड सेकंड इज द स्टीम पॉइंट. आइस पॉइंट का मेरा मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो हमें दो रेफरेंस पॉइंट यूज करते थे इन ऑर्डर टू डिड्यूस द टेम्परेचर. और हम लोग टेम्परेचर को एज ए लीनियर फंक्शन एज्यूम करते थे, पहले टेम्परेचर को लीनियर फंक्शन एज्यूम करते थे, इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. एक्स कुड बी एनी प्रॉपर्टी, अगेन एक्स कुड बी एनी प्रॉपर्टी, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, लाइक दैट, कुछ भी एनी प्रॉपर्टी, राइट. तो हम क्या करते थे, जैसे कि अब यहां पर हमारे पास देखिए दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये दो अननोन्स है हमारे पास, इनको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो अगेन दो अननोन्स के लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशंस चाहिए, वी नीड टू इक्वेशंस. सो वी आर अगेन यूजिंग टू कंडीशंस, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इनकी हेल्प से हम ए और बी निकालेंगे. सो पहले हमने यूज की आइस पॉइंट की कंडीशन, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू लेट्स से उस पर प्रॉपर्टी एक्स आई है, एट आइस पॉइंट इट इज एक्स आई. पुटिंग द वैल्यूज हियर, नाउ देखिए स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में है, सो जीरो पुट किया, जीरो इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, यू गेट वन रिलेशन. नाउ यूजिंग स्टीम पॉइंट व्हाट यू विल गेट, यहां पर 100 पुट करिए, सो 100 इक्वल टू ए एक्स एस दिस टाइम प्लस बी. सो डू हियर, आर यू गेटिंग टू इक्वेशंस, कैन यू सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इट्स वेरी सिंपल. सो फ्रॉम हियर यू कैन डिड्यूस द वैल्यू ऑफ ए लाइक दिस, ऐसे ही बी आ जाएगा, ठीक है. ए और बी को यू विल बैक सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड देन यू कैन इजिली फाइंड द टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर कंडीशन एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो इस तरीके से आप प्रेशर टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ओके. बट यहां पर फिर प्रॉब्लम क्या हुआ जिससे कि हमें इसको अडॉप्ट करना, इसको हमें कैंसिल करना पड़ा. देखिए प्रॉब्लम क्या आई, फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्योर आइस एंड एयर सैचुरेटेड वाटर. देखिए मैंने आपको कहा दो रेफरेंस मैंने आपको बताई, तो आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट. तो अब आइस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्या हुआ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन द प्योर आइस एंड द एयर सैचुरेटेड वाटर, क्योंकि
जब आइस मेल्ट होती है तो वो सराउंड हो जाती है विथ प्योर वाटर। जब आइस मेल्ट होती है तो आप देखते हैं चारों तरफ पानी होता है ना, तो वो जो पानी होता है इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद द एयर सैचुरेटेड वाटर, ठीक है, तो वो आइस को प्रिवेंट करती है कॉन्टैक्ट विद द एयर सैचुरेटेड वाटर। सो देयर फॉर इट वॉज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्योर आइस एंड द एयर सैचुरेटेड वाटर, क्योंकि वो आसपास जब आइस मेल्ट होती है तो पानी बन जाता है, वो पानी इट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहली तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द स्टीम पॉइंट टू द चेंज इन प्रेशर। अब देखिए स्टीम पॉइंट से, आइस पॉइंट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। स्टीम पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थी कि स्टीम पॉइंट चेंज हो जा रहा था विथ चेंज इन प्रेशर। अब जो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस बोला माय डियर, ये 100 डिग्री सेल्सियस एट द स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन है। यस, जो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट होता है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन, और वो क्या थी? यस, 1 एटमोस्फियर, 101.325 किलो पास्कल अगर आपको याद हो तो। बट अगर यही प्रेशर में घटा करके सपोज 50 कर दूं तो क्या लगता है आपको, ये टेम्परेचर बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा, ये टेम्परेचर बदलेगा माय डियर। सो और ये बदलता क्यों है? क्योंकि वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप थर्मामीटर को सपोज एक जगह यूज कर रहे हैं और फिर आप उसको दूसरी जगह ले जाए, सो प्रेशर में वेरी, प्रेशर विल वेरी। इनफैक्ट मीन सी लेवल पे हमने देखा था 101.325 होता है मीन सी लेवल, और अगर आप उसको इंडिया में दूसरी जगह यूज कर रहे हैं सपोज हिली एरिया में यूज कर रहे हैं तो वहां पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज विथ इंक्रीजिंग हाइट द प्रेशर रिड्यूसेस, तो स्टीम पॉइंट भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इट मे कम टू सपोज 99 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन दिस वे देयर वॉज प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग दिस स्केल, राइट? तो हम दो के बजाय एक क्यों ना यूज कर लें, ठीक है? तो इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया और अब हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं विच वॉज यूज आफ्टर 1954। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर डिड्यूस कर लिया ना बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नाउ मेथड यूज आफ्टर 1954, इन दिस मेथड अ सिंगल फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, अच्छी बात क्या है, फिक्स्ड है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन एटसेट्रा, और वो क्या है? ट्रिपल पॉइंट। एंड आई टोल्ड यू ट्रिपल पॉइंट फिक्स होता है, प्रेशर भी फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। प्रेशर क्या है? 0.611 किलो पास्कल्स, टेम्परेचर क्या है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल नॉट चेंज एट ऑल, इसलिए ये मेथड ज्यादा बेटर है, मच मच बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर का, लेट अस टेक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इनफैक्ट वी आर करंटली यूजिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ओनली। जो हम मर्करी यूज करते हैं ना बल्ब के अंदर, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना, ठीक है? सो वॉल्यूम फिक्स होता है, नाउ इट्स लेंथ विल इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। नाउ एरिया ऑफ द बल्ब इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो आप चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोलिए चाहे कॉन्स्टेंट लेंथ बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि एरिया तो कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है? एरिया कॉन्स्टेंट है ही, सो देयर फोर वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। सो जो हमारा टेम्परेचर होता है थर्मामीटर में जो हम देखते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है? तो ऑन अकाउंट ऑफ इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मर्करी एक्सपेंड करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ हम लोग देते हैं उसका जो लेंथ है वो भी बढ़ता है, लेंथ जो है लीनियर लेंथ वो भी बढ़ेगा, ठीक है? और वो हमें रीडिंग शो कर देगा टेम्परेचर क्या है। तो हम आज के टाइम में यही यूज करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। अब देखिए अगर हम गैस, खैर ठीक है मर्करी तो लिक्विड है, बट अगर गैस होती सो वी कुड हैव यूज पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, और जबकि आइडियल गैस होती तो यहां पर इससे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डायरेक्ट फंक्शन ऑफ प्रेशर का। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि यहां पर हमें एक ही रेफरेंस पॉइंट यूज करना है, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट। सो एट ट्रिपल पॉइंट टी विल बी टी टीपी एंड प्रेशर विल बी एट ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। सो यहां से क्या आ जाएगा? टी टीपी इज इक्वल टू के टाइम्स प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। यहां से के की वैल्यू निकल आई, When you back substitute it here, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। Fine. Now you can easily determine the temperature or not. देखिए ये दोनों values आपको पता है, इनफैक्ट ये दोनों values आपको पता है। So just by measuring pressure with the help of pressure gauge, can you easily find out the temperature this time? Easily निकल जाएगा। और आप ये कहीं भी use कर सकते हैं। At इसका सबसे बड़ा advantage क्या है? At any location. There is no problem in that.
you use at any location, it will easily find out the temperature. So yeah, but ये gases के लिए valid है my dear. हम mercury use करते हैं, वो liquid है, ठीक है? So is this the much better approach? Yes, it is. Now, तो यहां से मैंने thermometer का भी कुछ बता दिया concept. Now, अब हम लोग आते हैं finally zeroth law of thermodynamics के पे, ठीक है? तो उस बीच मैंने काफी बार यूज किया टेम्परेचर, मैंने एक वर्ड यूज किया बहुत बार टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर होता क्या है? अक्सर बुक्स में यही लिखा होता है, इट इज अ डिग्री ऑफ यस हॉटनेस और कोल्डनेस, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये लाइन लिखी होती है, ठीक है? ये लाइन लिखी होती है टेम्परेचर की. अब हुआ क्या कि हम दो बॉडी ले रहे हैं कोई भी, तो अर्लियर व्हेन देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट, ना अगर हमारे पास डिवाइस नहीं होती थी जिसको हम क्वांटिटेटिवली टेम्परेचर को मेजर कर लें, तो हम क्या करते थे, जस्ट कंपैरिजन करते थे. तब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है, दो बॉडीज हैं हैविंग अ डिफरेंट टेम्परेचर, वो कैसे फील होगा डिफरेंट टेम्परेचर पे, आप उनको टच करके देख लीजिए. तो एक रिलेटिवली कोल्डर लगेगा, एक रिलेटिवली हॉटर लगेगा. ऑफकोर्स वी कैनॉट रिड्यूस क्वांटिटेटिवली, बट हाँ हम लोग एक रिलेटिव कंपैरिजन जरूर कर सकते थे पहले. तो क्या हुआ, एक लॉ निकल के आया, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय आर एच फाउलर, सर आर एच फाउलर. इन्होंने क्या कहा, एट पॉइंटल बिलीव मी, ये जो प्रिंसिपल है यही यूज होता है टू रिड्यूस द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले आप ये समझिए जीरोथ लॉ क्या बोलता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेपरेटली, अगर दोनों सेपरेटली एक बॉडी कॉमन बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी ए और सी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन बॉडी विद बॉडी बी बट दे बोथ आर सेपरेट, ए और सी सेपरेट होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. क्योंकि देखिए माय डियर, अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे, अगर आप एबीसी को आपस में कॉन्टेक्ट में लेंगे, तब तो ऑब्वियसली देर वुड बी एनर्जी एक्सचेंज अमंगस्ट द थ्री एंड दे विल कम टू अ फाइनल टेम्परेचर, राइट? ऐसा होगा. तो ये लॉ तो हुआ ही नहीं. लॉ बनाने के लिए हमने क्या किया, इनको सेपरेट करना पड़ा, दो बॉडीज को सेपरेट करना पड़ा जिनके बीच में हम कंपेरिजन करना चाहते हैं. ओके, सो इन दिस वे ही सेड दैट जब दो बॉडीज सेपरेटली एक कॉमन बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं, थर्मल थर्मल मीन्स टेम्परेचर, सो उसके साथ अगर इक्विलिब्रियम में आते हैं तो वो दोनों बॉडीज भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी जो सेपरेट थी दूसरे से. और वो जो माय डियर कॉमन बॉडी है वही है थर्मोमीटर, वही क्या है, थर्मोमीटर है, ठीक है? वो कॉमन बॉडी क्या थी, थर्मोमीटर. किस तरीके से, ये देखिए, ये ए और सी बॉडीज हैं, ए और सी सेपरेटली आर थर्मली इन इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, राइट? सो अगर हम बॉडी बी को बना दे थर्मोमीटर, ये देखिए रोल प्लेड बाय कॉमन बॉडी इज थर्मोमीटर. तो हमने ए को मेजर किया, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने देखा कि सी की भी वही वैल्यू आ रही, मतलब ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो इस तरीके से थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. गॉट इट? सो ये है टेम्परेचर का मेजरमेंट, और इस तरीके से वो जो कॉमन बॉडी है दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर बाय कंपेयरिंग बोथ द बॉडीज. पहले बॉडी बी को हमने, जो कि थर्मोमीटर है, उसको ए के कॉन्टेक्ट में लेके आए, ठीक है, उसने कुछ शो करा, फिर बॉडी बी को मतलब कि थर्मोमीटर को हम सी के कॉन्टेक्ट में लेके आए, हमने देखा दोनों के रिस्पेक्ट, दोनों के केस में द एक्सपेंशन वॉज सेम, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है? तो हम ए को बी के साथ इक्विलिब्रियम में लेके आए, मतलब थर्मामीटर के साथ इक्विलिब्रियम में लेके आए, फिर सी बॉडी को हम बी के साथ इक्विलिब्रियम में लेके आए, मतलब बी तो क्या है, मतलब थर्मामीटर, वो तो थर्मामीटर जो है वो एक्सपेंड होगा टेम्परेचर के हिसाब से. तो हमने देखा दोनों के केस में एक्सपेंशन सेम था, इसीलिए हमने कह दिया कि ए और सी क्या है, मस्ट बी एट द सेम टेम्परेचर्स, ठीक है? ऑफकोर्स यहां से इसकी मदद से हम क्वांटिटेटिवली नहीं मेजर कर पा रहे, बट हमने ये कह दिया कि हाँ, कि दोनों का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बराबर है, इतना हमने बोल दिया, ठीक है, इस लॉ की मदद से. फाइन, सो
दैट इज अप टू हियर. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस थर्मामीटर की और कुछ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. थैंक यू सो मच.